सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन झा और मैं अपनी स्पेक्ट्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं ले आया हूँ इसके छठे पार्ट पे। इस छठे पार्ट में मैं आपको अब फाइनल स्टेजेस में कौन से यूरोपियन पावर्स हमारे देश में इस्टेब्लिश हो रहे हैं, किन फैक्टर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि अब हम लोग अपने फाइनल स्टेजेस में जिसमें कि यूरोपियंस कौन से सेटल होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया जितने भी यूरोपियन पावर्स थे कैसे आए और किन किन फैक्टर से उनका डिक्लाइन होता है। लेकिन अगर मैं इस प्रेजेंट वीडियो के टाइम में जिन दो पावर्स की बात कर रहा हूँ वो थे फ्रांस और इंग्लिश, ये दोनों अपने आप में ही एक बड़े ही यूरोपियन पावर्स को सिग्निफाई करते थे उस टाइम के, ठीक है। फ्रांस और यूरोप, फ्रांस और ब्रिटिश का जो सबसे पहला लड़ाई था डेट वॉज द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपले के बाद कहीं ना कहीं पैसिफाई हो जाता है, शांत हो जाता है कि हाँ ठीक है, आप फ्रांस को अपने नॉर्थ अमेरिका के टेरिटरीज मिल जाती हैं और ब्रिटिशर्स को अपने इंडियन टेरिटरीज वापस मिल जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रीटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर फ्रांस और इंग्लिश में लड़ाई हुई तो किन वजहों से हुई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो निज़ाम उल मुल्क थे, हैदराबाद का फाउंडर माना जाता है उन्हें, उनकी वो अपने लाइफ के फाइनल स्टेजेस पे थे। इस फाइनल स्टेज के बाद किस टाइप की पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती है इस पे ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि फ्रांस की भी काफ़ी अच्छी खासी नज़र थी उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाने के लिए, उस पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की ताक में ये दोनों ही सुपर पावर्स थे, दोनों ही यूरोपियन पावर्स थे, ठीक है। अब जब निज़ामुल मुल्क की डेथ होती है, प्लीज़ सेकेंड कर्नाटिक वॉर को अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसे सिचुएशंस उस टाइम में डेवलप हुए थे जिनकी वजह से सेकेंड कर्नाटिक वॉर होता है इन दो पावर्स के बीच में। ड्यूप्लेक्स, मैंने आपको बताया कि उस टाइम के एक बड़े ही पावरफुल और इफेक्टिव गवर्नर थे। इनके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिवली अलग से बताऊंगा कि आखिर क्यों इनकी इतनी हिस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ गवर्नर की क्वालिटीज़ के बारे में अगर बात करूँ तो वो आखिर क्यों थे इतने इम्पॉर्टेंट। ड्यूप्लेक्स एज अ गवर्नर इतनी इम्पॉर्टेंट रोल निभा के गए हमारे हिस्ट्री में, इतनी इम्पॉर्टेंटली उनकी जो उनकी जो इफेक्टिव टेंडेंसीज रही थी उनके बारे में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो कि उनके सबसे प्राइम अपोनेंट थे उस टाइम के, उन्होंने भी उनकी पॉलिसी से ही सीख के उनको फ्रेंच को कहीं ना कहीं इंडिया से वापस, मतलब कि उन फ्रेंच जो पावर्स थी उनको अगर हराया और वापस यहाँ के एम्बिशंस को उनको हराया तो वो कहीं ना कहीं ड्यूप्लेक्स की पॉलिसी से ही सीख के, ठीक है। खैर, ड्यूप्लेक्स के बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिवली उनके बारे में कुछ बातें अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी सेकेंड कर्नाटिक वॉर के सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से सिचुएशंस डेवलप हुए जिनकी वजह से सेकेंड कर्नाटिक वॉर इन दोनों के बीच में होता है। निज़ाम उल मुल्क की डेथ होती है 1748 में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हेन डिड द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद दैट वाज द निज़ाम उल मुल्क डाइड, देन दैट वाज द ईयर 1748। यहाँ पे कुछ इवेंट्स और होते हैं। चंदा साहिब जो कि सन इन लॉ थे दोस्त अली के, ये दामाद थे। दोस्त अली कौन थे? उस टाइम के कर्नाटक के नवाब, ठीक है, कर्नाटक के नवाब। यहाँ पे उनकी भी डेथ होती है, प्लीज इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के ये दामाद थे। दैट वॉज दी चंदा साहिब। और दूसरा एक है निज़ाम के जो बेटे थे नसीर जंग, उनकी अथॉरिटी को, उनकी जो दोबारा से जो तख्त पे बैठने की जो राइट्स थे उनको चैलेंज करते हैं मुजफ्फर जंग। ग्रैंडसन उस टाइम के उस रीजन के एक नवाब के ही पोते थे, ठीक है। उनका वो चैलेंज करते हैं कि नहीं, मुगल प्रोविंस से मुझे मिला है, नसीर जंग इन कोई भी हक नहीं रखते इस गद्दी पे बैठने का। तो नसीर जंग का अपोजिशन होता है मुजफ्फर जंग की तरफ से, और जो इधर कर्नाटक में एक अपॉइंटमेंट होता है जिसको चैलेंज करते हैं चंदा साहब, वो है अनवरुद्दीन, ठीक है। यहाँ पे दो पक्ष को अगर मैं बताऊं, कर्नाटक रीजन में चंदा साहिब अपोज कर रहे थे अनवरुद्दीन का, और जो हैदराबाद था, जो निज़ाम थे हैदराबाद के, जो अगर मैं कहूँ डेक्कन रीजन में स्पेसिफिकली, तो नसीर जंग को अपोज कर रहे थे मुजफ्फर जंग। प्लीज़ यहाँ पे दोनों चीज़ों को अलग करना, यहाँ पे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब एक हो जाते हैं। कब? जब फ्रांस इन दोनों के सपोर्ट में होता है। प्लीज़ यहीं से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की लड़ाई इन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। फ्रांस अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फर जंग
और चंदा साहिब को सपोर्ट करते हैं। मुजफ्फर जंग को कहां पे? डेक्कन में। और चंदा साहिब को कहां पे? कर्नाटक में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फर जंग को डेक्कन में सपोर्ट मिलता है फ्रेंच की तरफ से, और चंदा साहिब को मिलता है कर्नाटक रीजन में। यहां पे अनवरुद्दीन को और जो इंग्लिश की जो जो फोर्सेस थी, जो इंग्लिश की जो अथॉरिटीज थी, वो ठीक उसके अपोजिट नसीर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ अम्बूर, अम्बूर का बैटल कब होता है, अम्बूर की लड़ाई कब होती है? 1749 में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ अम्बूर टेक प्लेस? 1749 में। इसमें फ्रांस, चंदा साहिब, फ्रांस की जो अथॉरिटीज थी, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, इनके तीनों आर्मी मिलके अनवरुद्दीन को हराते हैं और अनवरुद्दीन को मार देते हैं। ठीक है, ये होता है 1749 में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ अम्बूर टेक प्लेस? दैट वाज इन 1749। ठीक है, ये तो थी अभी तक की बात, लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है। रॉबर्ट क्लाइव एक अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव गवर्नर माने जाते हैं अपने टाइम की। उनकी जो मिलिट्री पॉलिसीज है या फिर उनकी जो कमांडिंग पॉलिसीज है, किस टाइप से वॉर को कहां लीड करना है और किस स्ट्रेटेजी से लड़ना है, इसके वो एक बहुत ही माहिर प्लेयर माने जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव यहां पे अपना एक दिमाग लड़ाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इनके फोर्स को डाइवर्ट किया जाए। तो कर्नाटक के ही एक रीजन में एक और पावरफुल रूलर जिसका नाम था मोहम्मद अली, त्रिंचीपोली, ये कर्नाटक का एक रीजन है त्रिंचीपोली, वहां का एक जो रूलर दैट वाज द मोहम्मद अली, उनको ये सजेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे एक डाइवर्जनरी अटैक की जरूरत है, मतलब कि हमें इनके फोर्सेस को डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, सिर्फ 210 आदमी लेके अगस्त 1751 में, प्लीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, सिर्फ 210 आदमियों का एक फोर्स लेके रॉबर्ट क्लाइव अटैक कर देते हैं। कहां पे? आर्कॉट में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, आर्कॉट क्या था? कैपिटल ऑफ कर्नाटक। उस टाइम में कर्नाटक की राजधानी थी आर्कॉट। आर्कॉट को जैसी एक्वायर होते हुए देखेंगे, प्लान ये था कि अगर आर्कॉट को कैपिटल करते हैं तो चंदा साहिब अपने कैपिटल को बचाने के लिए जरूर वहां से निकलेंगे, और अगर वहां से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं त्रिंचीपोली में हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा था उसमें डाइल्यूशन आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी और हम फिर इजीली उसको हरा पाएंगे। यहां पे जैसा प्लान सोचा होता है ठीक उसी तरह से आगे के इवेंट्स भी होते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 210 आदमियों को लेके क्या कहते हैं आर्कॉट पे अटैक करते हैं। कब करते हैं? अगस्त 1751 में। प्लीज इंपॉर्टेंट है, यहां पे डेट पूछा जा सकता है, डेट व्हेन Did Clive attack Arcot along with just the group of 210? That was in August 1751. Now Chanda Sahib ने जब ये देखा तो obviously वो अपने 4000 आदमियों को लेके भागते हैं Arcot की तरफ, लेकिन 53 दिन के क्या कहते हैं सीज के बाद भी वो आर्कॉट को छोड़ा नहीं पाते। यहीं पे सबसे बड़ी लूप होल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं इंडियन आर्मीज और यूरोपियन फोर्सेस में। सिर्फ 210 लोगों का आर्मी का जो फोर्स था उससे भी चंदा साहिब के 4000 आदमी 53 दिनों तक की लड़ाई के बाद भी वो उसे छोड़ा नहीं पाते हैं। नाउ यहाँ पे जो और अगर सपोर्टिव बात होगी इंग्लैंड के लिए कि मैसूर, तंजौर और मराठा चीफ मोरारजी राव ये सपोर्ट में आते हैं क्लाइव के और त्रिंचीपोली को सपोर्ट करते हैं, और एक करारी हार मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है, चंदा साहिब जो है आइलैंड ऑफ श्रीरंगम, प्लीज यहां पे एक आइलैंड है, तमिलनाडु का आइलैंड है, ये एक रिवर आइलैंड है। यहां पे एक एडिशनल बता दूं कि ये आइलैंड जो है कावेरी और कोलिडम रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस के बीच में बना है। प्लीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि आइलैंड ऑफ श्रीरंगम किन दो रिवर्स के बीच में बना हुआ है तो वो है कावेरी और दूसरा है कोलिडम। ध्यान में रहेगा ये बात, जो दो रिवर्स के बीच में आइलैंड ऑफ श्रीरंगम है दैट इज द कावेरी एंड कोलिडम। ठीक है, तो आइलैंड ऑफ श्रीरंगम पे चंदा साहिब वहीं पे एक टाइप से रुक के रह जाते हैं, वहां से आगे वो बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, तो प्लीज यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये कि विच रीजनल एम्पायर्स did come to support क्लाइव, तो कौन कौन से रीजनल एम्पायर्स थे जो कि क्लाइव के सपोर्ट में आए थे, किसके, फ्रेंच जो अथॉरिटीज के अगेंस्ट में जब चंदा साहिब के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो किन किन कौन कौन से रीजनल पावर्स आए थे, डेट वॉज दी मैसूर, तंजौर और मराठा। प्लीज इंपॉर्टेंट है,
ये सारे रीजंस को आपको ध्यान में रखने जरूरी हैं। बैटल ऑफ जितने भी आपको आइलैंड ऑफ श्रीरंगम है, अगस्त 1751 में कब क्लाइव ने अटैक किया था आर्कॉट पे, तो इन सब डिटेल्स पे प्लीज आप ध्यान रखिए जो जो मैंने आपको बताया। आइलैंड ऑफ श्रीरंगम कौन कौन से रिवर पे बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आखिर आगे के इवेंट्स क्या थे। आगे के इवेंट्स में देखेंगे तो ऑब्वियसली जब आइलैंड ऑफ श्रीरंगम में चंदा साहिब रुक के रह गए तो फाइनली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने सरेंडर किया। कब सरेंडर किया? 1752 में। क्वेश्चन बनता है यहां पे, व्हेन डिड चंदा साहिब सरेंडर? दैट वाज इन 1752 एंड उसके बाद मोहम्मद अली उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उनको सजाए मौत मिलती है और उसके बाद फ्रांस जो है इस पूरे इंसिडेंट के बाद डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं कि आपकी पॉलिसीज कहीं ना कहीं फ्लॉप हुई है और हमें ह्यूज फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा है, इसकी वजह से आप वापस आइए। उसके बाद डुप्लेक्स के बाद अगर फ्रांस को एक गवर्नर अपॉइंट करता है, उनका नाम था गोडेह्यू जो अगले गवर्नर थे फ्रांस के, अपॉइंट किए गए किनके बाद? डुप्लेक्स के बाद। तो सिंपली एक क्वेश्चन बन सकता है दैट हु वॉज द गवर्नर अपॉइंटेड आफ्टर द डुप्लेक्स? दैट वॉज द गोडेह्यू, ठीक है। यहां पे ये एक ट्रीटी किसका, मतलब कि नेगोशिएशंस का, एक सहमति का, आपस में एक ट्रीटी, एक पॉलिसी फॉलो करते हैं और एक ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ? ब्रिटिश के साथ, कि ठीक है यहीं पे रुक जाते हैं, जिन जिन के पास जो भी टेरिटरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो वहीं पे रह जाएंगी, उसके आगे ये वॉर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर पे। यहाँ पे तो ये दूसरा कर्नाटिक वॉर कैसे कैसे इवेंट हुआ, कौन कौन से चीज़ों की वजह से डेवलप हुआ और फाइनली क्या क्या कंडीशंस में किस टाइप से ट्रीटी हुआ, ठीक है। लेकिन थर्ड कर्नाटिक वॉर कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए एक आखिरी वॉर साबित हुआ इंडिया में, कहीं ना कहीं उनके एम्बिशंस का लास्ट नेल ऑन द कॉफिन कह सकते हैं उनके एम्बिशंस पे, दैट वॉज द थर्ड कर्नाटिक वॉर। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया में उस टाइम ऑस्ट्रियन 7 ईयर्स ऑफ वॉर हो रहा था उस टाइम में, यूरोप में भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जारी थे, जिसमें दोबारा से फ्रांस और इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कब की बात है ये? 1756-63 में यूरोप के वॉर्स में फ्रांस और इंग्लिश आपस में आमने सामने आ जाते हैं और उसी से रिलेट होता है हमारा थर्ड कर्नाटिक वॉर। काउंटर डी लेली, ठीक है, फ्रांस की जो आर्मी है का एक टुकड़ा काउंटर डी लेली, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है, ये एक फेमस उसके जो कमांडर थे फ्रांस फोर्सेस के, काउंटर डी लेली, वो अटैक करते हैं इंग्लैंड के दो फोर्ट्स पे। प्लीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन कौन से दो फोर्ट थे। पहला था सेंट डेविड, विच टू फोर्ट्स कैप्चर्ड बाय लेली एंड वेन। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है दैट सबसे पहला था सेंट डेविड फोर्ट और दूसरा था विजयनगरम। दो फोर्ट्स यहाँ पे जो अटैक हुआ था काउंटर डी आर्थर डी लेली का, वो था सबसे पहला सेंट डेविड और दूसरा था विजयनगरम, ठीक है। इस अटैक के बाद इंग्लिश रिटेलिएट करते हैं, ब्रिटिशर्स रिटेलिएट करते हैं और मसूलीपत्तनम में इनको काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया जाता है फ्रांस फोर्सेस को और उन्हें इस वॉर में काफी काफी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। तो कब हुआ था ये? कब फ्रांस आर्मी ने जो उनके कमांडर थे काउंट डी लेली इनके अंडर में कब अटैक किया था? 1758 में। और जो दो फोर्ट्स इन्होंने अटैक किए थे, जो इन्होंने अक्वायर किए थे, दैट वाज द सेंट डेविड एंड दूसरा था विजयनगरम, और इसके रिस्पांस में उन्हें काफी हैवी लॉस उठाना पड़ा था ब्रिटिशर्स के साथ जो वॉर हुआ था, ठीक है। यहां पे कुछ फाइनल ये एक जो फाइनल वॉर बताऊंगा मैं आपको, इसमें बैटल ऑफ वॉन्डिवोस के बारे में। मैंने आपको बताया काउंट थॉमस आर्थर डी लेली के अंडर में उन्होंने दो फोर्ट्स पर अटैक किए, लेकिन यहां पे जो इंग्लिश के जो कमांडर थे जनरल आयरकुट, ये एक बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव कमांडर थे। इन्होंने लड़ाई की, क्या कहते हैं, जिस फ्रेंच के साथ, कहां पे? बैटल ऑफ वॉन्डिवोस में। इनका एम्बिशन था पांडिचेरी को एक्वायर करना, लेकिन पांडिचेरी से जस्ट थोड़ा सा रीजन पहले एक रीजन आता है, दैट इज द वॉन्डिवोस। वॉन्डिवोस में इनकी लड़ाई बैटल होती है, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है कब? जनवरी 22, 1760 में। इंपॉर्टेंट है ये डेट, व्हेन डिड द बैटल ऑफ वॉन्डिवोस कमेंस? दैट वाज इन जनवरी 22, 1760। एंड इस बैटल में
आयरकूट एक अच्छा खासा शिकस्त देते हैं फ्रेंच आर्मी को और कंप्लीटली एक कहेंगे तो कंप्लीटली एक कंप्लीट हार होती है फ्रेंच आर्मी की। लेकिन लैली फिर भी 8 महीनों तक पांडिचेरी को बहुत ही करेजियसली डिफेंड करते हैं, लेकिन फाइनली उन्हें जनवरी 16, 1761 में काउंट थॉमस आर्थर डी लैली सरेंडर करते हैं। तो व्हेन डिड लैली सरेंडर? दैट वाज इन जनवरी 16, 1761। ठीक है, इसके बाद से फ्रांस की जो पोजीशन है काफी हद तक बहुत मिनिमाइज्ड फॉर्म में पहुंच जाती है। जो उनके रीजंस थे कुछ और आप देख सकते हैं, जिंजी एंड माहे वो खो देते हैं और वो सिमट के रह जाते हैं सिर्फ पांडिचेरी तक, और उसके बाद से उनके एम्बिशंस कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस एम्बिशंस का दी एंड था, यहाँ पे फ्रांस के एम्बिशंस कहीं ना कहीं कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं, बिकॉज एक ट्रीटी साइन होती है 1763 में, जिसके बाद से फ्रांस अपनी एक्टिविटीज, जितनी भी इंडिया की एक्टिविटीज थी, उसको कहीं ना कहीं पांडिचेरी तक ही लिमिटेड रखता है। और इसके बाद पूरी भारत की जो एम्पायर थी ब्रिटिशर्स के लिए खुल जाती है अकेला राज करने के लिए, अकेले उसके रिसोर्सेज पे ब्रिटिशर्स के लिए आसान था अब उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। तो सिंपल सी बात है, दैट ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस वॉज साइंड इन 1763 एंड फ्रांच वर कन्फाइंड टू स्मॉल इनक्लेव ऑफ पांडिचेरी। ठीक है, तो जो फ्रेंच की जो टेरिटरीज थी, जो कुछ इनक्लेव्स थे पांडिचेरी को छोड़ के, उनके पास अब कोई भी मेजर टेरिटरीज इंडिया में नहीं बचे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहीं तक रखता हूं कि कहां कैसे फ्रेंच और इंग्लिश की राइवलरीज में फाइनल विक्ट्री किसकी होती है, ब्रिटिशर्स की, किन सिचुएशंस में विक्ट्री होती है और आखिर इस सिचुएशन के बाद ब्रिटिशर्स कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें और कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिन चीजों ने ब्रिटिशर्स को फाइनल एक कॉन्करर बनाया इंडियन टेरिटरीज में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो होपफुली मैंने आपको आज फ्रांस और जो ब्रिटिशर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके रीजंस क्यों हुए उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइनली क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे उस कॉन्फ्लिक्ट्स के, मैंने आपको एक अच्छे पॉइंट्स की तरह क्लियर किया। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले लेट मी क्लियर यू समथिंग कि आपको अब जितने इवेंट्स हैं वो ब्रिटिशर्स से रिलेटेड ही सब होने वाले हैं, क्योंकि फाइनल कॉन्करर ऑब्वियसली इसके बाद कोई खास इफेक्टिव यूरोपियन रूल आया नहीं एंड यहां से शुरू होती है हमारी ब्रिटिश की जो एक्चुअल कॉलोनियल एक्टिविटीज है उनकी, हमारी यहां से शुरू होती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे फाइनली ब्रिटिशर्स और किन वजहों से ब्रिटिशर्स फाइनली हमारे देश पे राज करना स्टार्ट करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।